हाँ उस सौरभ, आज हमने कुछ नया करने का कोशिश किया जिसमें एक नया सेटअप बना। इसमें हम क्या किया, एक बोट के सहारे जो हम दो रॉकेट को बांध दिए, उसके बाद इस जो बोट को हम पानी में चलाएंगे। हम देखेंगे कि क्या ये जो मेरा रॉकेट है ये सिर्फ स्विमिंग कराता है इस बोट को या फिर फ्लाइंग करा देता है कुछ टाइम के बाद। तो यही देखने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। तो अब हमें पानी में जाना होगा इस रॉकेट को चलाने के लिए। तो सबसे तो इस टाइप से अब हम पानी में जा रहे हैं इस बोट को लेकर। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं पानी इतना दूर में काफी गहरा पानी है, तो हम क्या करेंगे यहीं से अपना रॉकेट लगाते हैं। तो इस टाइप से देखिए मेरा रॉकेट रखा चुका है, अब इसमें बस हमको आग लगाने की देरी है। तो दोस्तों पहला बार हम ट्राई किए थे तो हुआ ये था कैमरा ही चालू नहीं हुआ था। इस बार हम सही से सारा कैमरा सेटअप कर चुके हैं और इस बार जो है एक ही रॉकेट लगा जो सही से इसको थ्रस्ट दे पाए। अब बोट का भी साइज छोटा कर दे, पिछले बार बोट का साइज काफ़ी बड़ा था जिसके वजह से ज़्यादा दूर चल नहीं पाया था मेरा रॉकेट। कुछ ही दूर जाने के बाद रॉकेट ब्लास्ट कर गया था, नाव भी ज़्यादा दूर चल नहीं पाया था, इसलिए इस बार एक ही रॉकेट लगा। इसके लिए फिर हम पानी में जाते हैं और फिर से हम ट्राई करते हैं। तो इसके लिए हम पानी में आ गए, यहाँ से हम इधर मुँह रॉकेट को पलायन करवाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक्सपेरिमेंट कुछ खास तरह से काम किया नहीं, तो अब क्या करेंगे कि हम पेट्रोल के डब्बे में उड़ते हुए रॉकेट को डालेंगे, देखेंगे किस टाइप से धमाका होता है। तो मेरा पूरा सेटअप रेडी हो चुका है, अब हमको क्या करना है, बस चलते हुए रॉकेट को इसके डरने डालना है। तो रॉकेट तो इसके हम मुँह पर लगा के देते हैं इस लकड़ी के सहारे इस टाइप से, क्योंकि चलते हुए रॉकेट को अंदर डालने में होगा नहीं, तो पहले लगाए थे फिर चलाते हैं रॉकेट को। तो इस टाइप से पूरा सेटअप कर लिया, इस टाइप से देखिए यहाँ पे रॉकेट लगा दे, नीचे जो पेट्रोल भरा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, रॉकेट में आग लगाते फिर देखते हैं किस टाइप से कितना बड़ा धमाका होता है। तो इस टाइप से अब हम आग लगाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम एक्सपेक्ट किए थे मेरा बोट जो है काफ़ी स्पीड से आगे पानी में जाएगा, उसके बाद फ्लाइंग कर जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। रॉकेट कुछ ही दूर जाने के बाद मेरा बम जो है ब्लास्ट कर गया रॉकेट का। तो इसके पीछे कारण यह है कि सही से हम रॉकेट फिट नहीं किए थे जिस पोजीशन पे होना चाहिए था। तो किसी बार हम फिर से इस टाइप का एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इसी तरह से हमारे चैनल पर बने लिए, हम और भी एक्साइटमेंट एक्सपेरिमेंट लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।